यूपी में मौसम तेजी से करवट ले रहा है। पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी का असर मैदानी इलाकों में साफ देखने को मिल रहा है। शुक्रवार को लगभग पूरी यूपी कोहरे की चादर से ढक गई। दोपहर के वक्त भी घना कोहरा छाया रहा। इस कारण सूर्य देवता के दर्शन भी नहीं हो पाए। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे के लिए राज्य के कई स्थानों पर हल्की गरज चमक के साथ बारिश का अनुमान जताया है। इससे तापमान में गिरावट आएगी और ठंड बढ़ेगी। गुरुवार दोपहर तक तो धूप निकल आई थी, लेकिन शुक्रवार को ऐसा नहीं हुआ। लखनऊ, कानपुर समेत यूपी के कई जिलों में दोपहर के वक्त भी कोहरे ने लोगों को सर्दी का एहसास कराया। ज्यादातर ने घरों में रुकना ही ठीक समझा। सड़कों पर जब वाहन से निकले, उन्होंने गति को काफी नियंत्रित किया व फॉग लाइट का इस्तेमाल भी किया। शाम होते होते एक बार फिर कोहरा और घना होता चला गया। भारत मौसम विज्ञान विभाग केंद्र लखनऊ के मुताबिक अगले 24 घंटे पूर्वी उत्तर प्रदेश में मौसम मुख्यतः शुष्क रहेगा। यहां कुछ स्थानों पर सुबह घना कोहरा पड़ने की संभावना है, तो पश्चिम उत्तर प्रदेश में कुछ स्थानों पर वर्षा होने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार पश्चिम यूपी में गरज चमक के साथ हल्की बारिश होने की संभावना है। पूरे यूपी की बात करें तो आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। अधिकतम और न्यूनतम तापमान क्रमशः 20 और 13 डिग्री सेल्सियस रहेगा। लखनऊ से अभिषेक गुप्ता की रिपोर्ट।